अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आज की रेसिपी माओ के लिए, स्पेशली जिनके बच्चे स्कूल गोइंग है उनके लिए। ये मैं अभी अपने बच्चों के लंच के लिए कुछ बना रही थी, तो मैंने कहा अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये ब्रेड के कटलेस है, इसके लिए मैंने कल के आलू बॉईल किए हुए थे। सिंपल आलू बॉईल करके इसमें थोड़ा सा प्याज और सब्ज़ मिर्ची डाल ली थी। नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे, और इसमें चिकन भी ऐड किया जा सकता है, मैंने चिकन नहीं डाला। सिंपल आलू बहुत अच्छे बनते हैं, और आप ये समझ लें कि बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह आपने फैला लेना है इसको बहुत अच्छे से पूरे टोस्ट के ऊपर। इसी तरह दूसरा चिकन के साथ ऐड करना चाहते हैं, चिकन ऐड कर लें, बीच में कोई सब्जी डाल लें या सब्जी डाल लें। मेरे बच्चे ज़्यादा सब्जियों से भागते हैं, तो सब्जी नहीं ऐड की भी। प्याज भी मैंने बहुत कम डाले हैं। ये भी बना के रख दूंगी, शाम का टाइम है ना अभी, तो ये सुबह जब स्कूल से पहले बस इसको शैलो फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना। ब्रेड ज़्यादा ऑयल चूस लेती है, और ये बहुत अच्छे खाने में बहुत मज़े के होते हैं, सब बच्चों को ही पसंद आएंगे, और डिफरेंट सी चीज़ है। समोसों और मतलब समोसे जंक फूड से हटकर थोड़ी सी डिफरेंट चीज़, समोसे हो गए या नगेट्स हो गए। टेंडर पॉप्स देती हूँ मैं बच्चों को, कभी उसका पराठा वगैरह बना के देती है, वो भी शेयर करूँगी। टेंडर पॉप्स का पराठा उसमें चीज़ डाल के, तो वो भी किसी दिन शेयर करूँगी। वो भी बहुत शौक से बच्चे खाते हैं, स्कूल लेके जाते हैं वो। अभी ये अंडा लिया था, अंडे में नमक मिर्च मैंने थोड़ी थोड़ी डाली हुई है, इसको बस बीट कर लेंगे। नाइफ से हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, 4 पीसेस कर लेने हैं, बड़ा पीस नहीं रखना, फिर इसकी फिलिंग गिरना शुरू हो जाएगी। अगर ज्यादा बड़ा पीस होगा ना, वैसे तो अगर कवर कर सकते हैं तो ठीक है, बड़ा पीस रख लेने के लिए, कि बच्चे के खाने के लिए इतना बाइट बेस्ट रहता है। ठीक है, इस तरह करके हम इसको अंडे में डिप करेंगे। और ये ब्रेड क्रम्स लास्ट कोटिंग उसकी होगी। ठीक है, इस तरह हमने सारे बना के रख लेने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ये बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाली, मैं खुद बच्चों के लिए लंच के हवाले से मैं मुझे होता है कि कोई डिफरेंट चीज़ दूँ जो ये तो खुश होकर खा लें, तो ये उनको अच्छा लगता है। तो ये बहुत जल्दी झटपट बनने वाली चीज़ है। इसी तरह हम वन बाय वन सबको कोटिंग करके रख लेंगे। मैं अभी इसको फ्रिज में रख दूँगी, और फिर सुबह इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये सारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें से आपको 2 फ्राई करके दिखाती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनको किस तरह। फुल फ्राई नहीं करना, क्योंकि ब्रेड ज़्यादा ऑयल चूसती है, फिर बहुत हैवी हो जाएंगे बच्चों के लिए। मैं भी 2 फ्राई करके आपको दिखाती हूँ, तो बाकी फिर मैं सुबह बच्चों के लंच के हिसाब से इसको फ्राई करूँगी। बिल्कुल इतना सा ऑयल लेंगे बस, थोड़ा सा गर्म करके, तो फिर हम इस पर ब्रेड कटलेट्स डालेंगे।
कलर आ जाए तो साइड पलटते नहीं है। बस ये रेडी है, मैं इनको प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने अभी इनको प्लेट में निकाल लिया, इनकी फाइनल लुक देख लें, बहुत अच्छे झटपट बनने वाले और स्पेशली ये कि बच्चों को पसंद आते हैं। ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।